नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम फिर से खेलने वाले एक और खेल जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। और इसके बारे में आपको पता ही होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसा कि आपने अभी टाइटल पे देखा ही होगा कि मैं अभी लाइफ हैक करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के लाइक है ना ना, सिर्फ हैक, नॉर्मल हैक। चलिए शुरू कर लेते हैं। और ये लेटेस्ट स्नैपशॉट है जो अभी आया है, तो इसके भी कुछ लाइफ हैक्स है जो मैंने देखे हैं, तो वो देख लेते हैं। तो देवी और सज्जनों, ये है वो चीज़ जो अभी लेटेस्ट स्नैपशॉट में आई है। और इसके बारे में तो मैं वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बना रखी, मेरा कुछ काम ही नहीं होगा। तो इसका ये देखो, ये ऐसे करना है और यहाँ पे लगा लो। हाँ गाइस, ये यही है, बस आपको बार बार ये तोड़ना है, ये लगाना है, तो आपको ये अनलिमिटेड सप्लाईज मिलती रहेगी इसकी। तो ये है कुछ नए नए फार्म बनाने के तरीके, और इसको मेरे को अच्छे से रेडस्टोन करना सीखना पड़ेगा, वरना तो पता नहीं क्या होगा। अब लगता है कंटिन्यूस चलेगा ना, चलो रहने दो, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। लेकिन ये भी आप कर सकते हो लेटेस्ट स्नैपशॉट में जो अभी रिलीज हुआ है। और एक और मेरे को एक रॉकेट बनाना है जो मैंने अभी देखा था। तो गाइस, इस रॉकेट को बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं इधर ही बना देता हूँ। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऑब्जर्वर को यहाँ पे लगाना है, और इसको पर पिस्टन ये हटाओ, और ये हो गया। अब ऐसे ऐसे इधर तो हो गया, इधर ऑब्जर्वर, इधर भी ऑब्जर्वर। हाँ आ आ, तो अब ये चलना चाहिए। वाह यार, मेरे को लगा नहीं था ये चलेगा, लेकिन वाह, मतलब मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया तो और ये आसमान की ऊंचाइयों में चलते हुए चलते हुए चलते हुए। एक मेरे पास एक और आइडिया है, अगर हम इसे वर्टिकल बनाए तो। और अब इसे चलना चाहिए, ओ बस एक रह गया, लेकिन बाकी चल ही रहा है। चलो ये भी बढ़िया है, मतलब हम ऐसे भी जा सकते हैं। बस हमें एक मस्त जगह खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस ये कैसा था ये मेरे को भी बताना। ओ वाओ, तो ये चलता रहेगा हमारा ये रॉकेट। तो इसके अंदर हमें ऐसा करना है, नीचे सोल सैंड, इधर पानी पानी, और अब जिस हिसाब से ना। 2000 years later ये देखो गाइस, ये रहा। अब बस मैं फंस चुका हूँ, तो गाइस अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सी एक पोजीशन होती जहां पे मिलते हैं, वैसे ही बाउंस करते हैं जैसे पिछली बार किया था, लेकिन अभी हो नहीं रहा। कोई नहीं, ट्राई करते रहते, एक बार फिर से हो जाए तो। गाइस एक और चीज़ है, ये डिनर बोन। अगर हम ये डिनर बोन नाम की कोई भी चीज़ ऐसे रखे तो वो मॉब उल्टा हो जाएगा, कोई भी, मतलब किसी भी मॉब को भी ले लो, ज़ॉम्बी, स्केलेटन, ये एक और ज़ॉम्बी, सारे डिनर बोन उल्टे हो जाएंगे। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। तो
देखो ये गाइस, तो गाइस अभी देखना मैं ऐसे चलूंगा, नीचे लावा है लेकिन मैं गिरूंगा नहीं। देखो 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 है ना, बढ़िया सीधा होके चलता हूँ। तो गाइस कैसा ही है मेरे को कमेंट करके बताना कि आप भी ऐसा बनाओगे अपनी क्रिएटिव वर्ल्ड में। मेरे को तो ये काफ़ी बढ़िया लगा, मेरे को इतना रेडस्टोन आता है नहीं लेकिन फिर भी मेरे को ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। वाओ, फुल स्पीड में भी भाग सकते हैं। तो गाइस क्या आपको भी अपने पैरेट को संभाल के रखना है, मतलब एकदम फ्रेम करवा के? ये ट्रॉफी थोड़ी फ्रेम क्यों करवा रहा हूँ, लेकिन तो भी मैं दिखाऊंगा एक सेकेंड। तो अब ये आ गया हमारा पेट, अब इसके आगे लगा दो कांच और एक सेकेंड। ये रहा ऑब्सीडियन और इस साइड लगाता हूँ पिस्टन, ऐसे नहीं ऐसे, रेडस्टोन। तो हो गया हमारा तोता फ्रेम में, देख रहे हो है ना, बढ़िया। और ये निकल भी गया। और गाइस ये रहा कॉपर ओर जो आजकल नया ट्रेंडिंग में आया है, और आप लोगों को जिसको पता नहीं है वो इसको बता दूं कि माइनक्राफ्ट का एक और अपडेट आने वाला है केव एंड क्लिप्स, जिसका स्नैपशॉट रिलीज हो चुका है। और अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की डाउनलोड लिंक में होगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा, तो गाइस ये रहे हमारे कॉपर जिनको हम स्मेल्ट करेंगे। वैसे मैं इतने सारे ले क्यों रहा हूँ, मैं क्रिएटिव में हूँ तो छोड़ो। तो कॉपर ओर को स्मेल्ट करने से मिलेंगे हमें कॉपर इंगट, इनसे कोई तलवार नहीं बनेगी, लेकिन एक और चीज बन सकती है जिसका नाम है कॉपर के ब्लॉक्स। ये कॉपर के ब्लॉक्स है, कॉपर के ब्लॉक्स, ये कॉपर के ब्लॉक्स आप ऐसे लगा के रखोगे तो थोड़े थोड़े टाइम बाद इनका कलर चेंज होता रहेगा, क्योंकि कॉपर का रियल लाइफ में भी कलर चेंज होता रहता है मौसम के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। तो ऐसे ही नया फीचर एक माइनक्राफ्ट में रखा है इस वाले न्यू अपडेट में, जिसका अभी स्नैपशॉट अभी मैं खेल रहा हूँ। तो अगर इनको आपको, अगर इनको कलर चेंज नहीं करना, मतलब आप किसी बिल्डिंग, मतलब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको इसके कलर चेंज नहीं चाहिए, तो आप उसे वैक्स करवाना पड़ेगा जो होगा हनी ब्लॉक से। वो तो कैसे होगा वो मेरे को इतना याद नहीं, लेकिन हनी ब्लॉक से होता है। और एक और अपडेट, जो बड़ा अपडेट है जो मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे। तो गाइस पहले क्या होता था, हम ऐसे ब्लॉक्स के ऊपर शवल नहीं कर सकते थे। एक सेकेंड मैं दिखाई देता हूँ, पहले हम ऐसे ब्लॉक्स के ऊपर शवल नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं, भले वो माइसेलियम का हो या फिर कोरस टर्टल जिसको, लेकिन आप हम शवल करके आप लोग वैसे बना सकते हैं जो पहले नहीं हो सकता। तो ये भी नया अपडेट है, पहले लोग ज़्यादा परेशान होते थे लेकिन अब नहीं होंगे। पहले हमें इस ग्रास का उगने का देर करना पड़ता था, अगर ऐसे डर्ट ब्लॉक होते तो हमें उनका उगने का देर करना पड़ता था, फिर जाके ये होता था, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं। और गाइस माइनक्राफ्ट में एक एटेक स्कोप भी आया है, ये रहा एटेक स्कोप, जिसका नाम क्या रखा है इन लोगों ने, स्पाई ग्लास। लेकिन अलोन वर्ल्ड में हम लोग इस स्पाई ग्लास का करेंगे क्या? अगर हम इसे बो के अंदर लगा सके तो पता चले भाई कहाँ 98 बन जाए तो अच्छा बात है, लेकिन इसका इनकम करेंगे क्या दूर की चीज़ें देखने के लिए? ऑप्टिफाइन आएगा तो हम ऐसे ही देख लेंगे, लेकिन कोई नहीं, अच्छा अपडेट है। और जैसे अभी ये लाइटनिंग स्ट्राइक हुई उसके लिए भी एक अपडेट आया है, इसके लिए भी एक अपडेट आया है जो है ये लाइटनिंग रॉड। लाइटनिंग रॉड सारे बिजली के खंभों को मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब नॉर्मली क्या होता है अगर आप, अगर बिजली किसी पिक के ऊपर गिरे तो वो पिगलिन के अंदर बन जाता है, पिगलिन में चेंज हो जाता है, या फिर किसी विलेजर पे गिरते तो वो विच के अंदर चेंज हो जाती है।
लेकिन अब नहीं होगा वैसे, क्योंकि अभी अपडेट आ चुका है और ये मेरा एक तोता उड़ते हुए। तो गाइस ये था कुछ जो मैंने अपडेट के अंदर कुछ चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगी। तो आपको ये चीज़ें कैसी लगी वो मेरे को कमेंट करके बताना। और इस अपडेट में मेरे को एक और चीज़ अच्छी लगी जो है बंडल। ये है बंडल। अब इसका काम क्या है, ये चीज़ें स्टोर करता है। आप समझो ये ही हो गया, ये 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 ऐसी 64 चीज़ें स्टोर कर सकता है। या तो वो 64 के 64 ये प्लैंक क्यों ना हो। अब ये फुल हो चुका है, अब इसके अंदर कोई और चीज़ें नहीं जा सकती। लेकिन अब इसके अंदर 64 चीज़ें हम सेव कर सकते हैं, और इसके ऊपर वापस लाइट राइट क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ऐसी चीज़ जिसको स्टैक में नहीं रख सके, जैसे ये एक सिंगल ही रहेगी, इसका डबल हम नहीं कर सकते, जैसे इनके हम 64 में रखते हैं तो इसका हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ एक के अंदर ही काउंट होगी। अब इसके अंदर ये पूरी चीज़ें फिल हो चुकी। तो ये बंडल इसके लिए काम आता है, मतलब स्टार्टिंग के गेम के लिए सस्ता शल्कर बॉक्स वैसे ही कुछ है। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि आपको इस अपडेट में सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी। और मैंने सारे अपडेट का तो मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिए, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि या तो एक तो लाइफ हैक्स के लिए, और दूसरा मैं पूरे अपडेट की वीडियो तो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले वीडियो बना दिए है। तो मेरे को मैंने जो अच्छी चीज़ लगी वो मैंने बनाई है, और मैंने कुछ लाइफ हैक्स भी बताए जो माइनक्राफ्ट में आप यूज़ कर सकते हो अपने अपने वर्ल्ड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर, लव यू ऑल, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। मेरे 500 सब्सक्राइबर हुए, 600 भी करवा दो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।